आदाब। आज जिस शायरा की नज़म मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ उनका नाम है सारा शगुफ्ता। अ पोएट हुज वर्ड्स वर टू नेकेड फॉर द कंजर्वेशनिस्ट, अ पोएट हुज लाइफ वॉज टू इंटरेस्टिंग फॉर द गॉसिपर्स, एंड परहैप्स दैट वॉज द रीज़न वाई फॉर अ लॉन्ग टाइम पाकिस्तानी लिटराटी ट्राई टू राइट हर ऑफ। सारा शगुफ्ता ट्राई टू लिव अ लाइफ एज इंटेंस एज सिल्विया प्लाथ, एंड दैट इज़ परहैप्स वन ऑफ द मेन रीजन्स वाई आई एम रीडिंग हर टूडे, बिकॉज आई लव सिल्विया प्लाथ। And the similarity between both of them is too much to ignore. You know, both of them had abusive relationship with their father, something like what maybe Sylvia Plath writes in Daddy. And then both of them were victims of domestic violence. Both of them suffered child loss. And both of them ultimately ended their life with suicide at nearly the age of 30. They died very young. And their life was extremely tragic. But the most important of all similarities is that both of them turned their trials and tribulations into poetry. And according to me, that's very inspirational. Because maybe art was not able to change their lives, but it goes on to inspire so many other women who suffer in the hands of patriarchy. In this particular poem that I am going to read by Sara Shagufta, Aurat or Namak, Sara attacks the patriarchal norms. Each patriarchal norms she attacked in a very naked manner. Actually, she says that marriage also is used as a tool by patriarchy to control women. She does not even rule out that women also become patriarchal. And she says that the burden of honor that is put on the women is the main reason why she is so oppressed in a patriarchal society. She spends all her life trying to be honorable in the eyes of other people. And she attacks all of this in this poem, and I love this poem. To pesh hai, Aurat aur Namak. Izzat ki bahut si qisme hai. Izzat ki bahut si qisme hai. Ghungat, thappad, gandum. इज्जत के ताबूत में कैद की मेखें ठोकी गई हैं, घर से लेकर फुटपाथ तक हमारा नहीं, इज्जत हमारे गुजारे की बात है। इज्जत के नेजे से हमें दागा जाता है, इज्जत की कनी हमारे जबान से शुरू होती है। कोई रात हमारा नमक चख ले तो एक जिंदगी हमें बेजायका रोटी कहा जाता है। ये कैसा बाजार है कि रंगसाज ही फीका पड़ा है, खला की हथेली पे पतंगे मर रही हैं, मैं कैद में बच्चे जनती हूं, जायज औलाद के लिए जमीन खिलंडरी होनी चाहिए, तुम डर में बच्चे जनती हो इसीलिए आज तुम्हारी कोई नस्ल नहीं, तुम जिस्म के एक बंद से पुकारी जाती हो, तुम जिस्म के एक बंद से पुकारी जाती हो, तुम्हारी हैसियत में तो चाल रख दी गई है, एक खूबसूरत चाल, छोटी मुस्कुराहट तुम्हारे लबों पे तराश दी गई है, तुम सदियों से नहीं रोई, क्या माँ ऐसी होती है, तुम्हारे बच्चे फीके क्यों पड़े हैं, तुम किस कुंबे की माँ हो, रेप की कैद की बटे हुए जिस्म की या ईंटों में चुनी हुई बेटियों की, बाजारों में तुम्हारी बेटियां अपने लहू से भूख गूंथती हैं और अपना गोश्त खाती हैं, ये तुम्हारी कौन सी आंखें हैं, ये तुम्हारे घर की दीवार की कौन सी चिनाई है, तुमने मेरी हंसी में तारुफ रखा, तुमने मेरी हंसी में तारुफ रखा और अपने बेटे का नाम सिक्काए राइजुल वक्त। आज तुम्हारी बेटी अपनी बेटियों से कहती है, मैं अपनी बेटी की जबान दाहूंगी, लहू थूकती औरत धात नहीं, चूड़ियों की चोर नहीं, मैदान मेरा हौसला है, अंगारा मेरी ख्वाहिश, हम सर पे कफन बांध कर पैदा हुए हैं, कोई अंगूठी पहनकर नहीं जिसे तुम चोरी कर लोगे, हम सर पे कफन बांध कर पैदा हुए हैं, कोई अंगूठी पहनकर नहीं जिसे तुम चोरी कर लोगे।